टी राजधानी पोहा स्पेशल पार्टनर उकाया ईवी एक्शन टेसा माइक्रोटेक इंश्योरेंस पार्टनर पॉलिसी बाजार एसोसिएट स्पॉन्सर वीआईपी सिटी। और देखिए ये देखा आपने कि न्यू विजन ऑफ इंडिया है क्या, और अब भारत 24 ने एक और पहल की है, और ये पहल है ये मन की बात जानने की कि आज देश में जनता के मन में है क्या। और हमारा एक लोकप्रिय कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान जो लगातार लोगों के दिल में पैठ बना रहा है, और उसे लगातार लीड करें रूबिका लियाकत, लोगों के मन की बात को जान रही हैं। जस्ट हैव अ लुक, क्या है मोदी मुल्क और मुसलमान में। हमने अपनी मर्जी से देश को चुना है, यहीं रहेंगे, यहीं हिंदुस्तान में मरेंगे, कटेंगे, कुछ भी हो रहेंगे यहीं। दंगा असलियत में ना हिंदू फैला रहा है ना मुसलमान फैला रहा है, ये कोई विचारधारा है वो ये फैला रहा है। आज तक किसी भी पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी। हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। आप में से कितने लोग जानते हैं तुष्टीकरण का मतलब? तुष्टीकरण का नहीं मतलब? नहीं मालूम है। तुष्टीकरण का नहीं मालूम। तुष्टीकरण भेदभाव, कोई भी मीठी गोली देके मतलब पब्लिक को रुझा के रखना। कुछ हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो हमारे मुसलमान हिंदू की खाई को भरना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मगर सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाता। 20,000 की आबादी का गांव है हमारा, इंटरनेट नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है। सरकार के साथ हैं, थे और रहे। बेसिक जो ढांचा बिगड़ा है मुसलमान का वो एजुकेशन से बिगड़ा है और मौलवियों ने बिगाड़ा है। मोदी मुल्क और मुसलमान रात 9 बजे सिर्फ भारत 24 पर। तो भारत 24 की इस खास पहल के लिए मोदी मुल्क और मुसलमान एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और अब वो खास मौका है जब हमारे बीच मौजूद अतिथि को हम सम्मानित करेंगे, और उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जेसी सर को कि वो मंच पर आए। इसके साथ साथ मैं रूबिका लियाकत को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, और इसके साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आर के सिंह सर को भी। प्लीज सर, वेलकम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार तालियां। और मंच पर मनोज जिज्ञासी और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, MD आरोग्य सुपर स्पेशलिटी, प्लीज आप भी मंच पर आए। तालियां फिर कम हो जाती हैं। और इसी बीच में हम थैंक यू कहना चाहेंगे हमारे गिफ्टिंग पार्टनर जीवा आयुर्वेदा को। स्वागत ऐसे करेंगे आप लोग, हमारे यहां तो अतिथि देवो भवा कहा जाता है ना। वेरी नाइस। हाँ तो अभी हमारे देखिए काफी सारे हमारे भारतीय जो हैं इस वक्त लगातार अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं कर रहे हैं, ऐसे में उन उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित हम करना चाहेंगे। पहले बुलाना चाहूंगी मंच पर मिस्टर राज भलाला हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ट्रीवी टेक्स प्राइवेट लिमिटेड, इनको अवार्ड जाते हैं एक्सीलेंस इन रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड और ऑफ सोलर। सेकंड मिस्टर मधुसूदन चौहान, CEO एंड डायरेक्टर जीवा आयुर्वेद, एक्सीलेंस इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। मिस्टर राज भलाला प्लीज कम ऑन द स्टेज, अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर राज भलाला। थैंक यू सो मच सर। और अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर मधुसूदन चौहान को, आप CEO एंड डायरेक्टर हैं जीवा आयुर्वेद के, और एक्सीलेंस इन आयुर्वेदिक मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया जाता है।
सेशन है ना नेक्स्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। 1975 बैच के बिहार काडर के आईएएस ऑफिसर और फॉर्मर होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया आर के सिंह सर हमारे बीच इस समिट में शामिल हुए थे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रेशियस टाइम, और एक बार जोरदार तालियां आर के सिंह सर के लिए। और देखिए हम क्योंकि न्यू विजन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो आज दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है और उन दिग्गजों से उसी न्यू विजन पर बात होगी। और अगर आपकी भी मन में कोई बात है तो आप हमें भी बता सकते हैं, क्योंकि लगातार देखिए जैसा हमने जिक्र किया कि जब न्यू विजन की बात करते हैं तो हम युवाओं की बात करते हैं, और बहुत सारे युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मन में भी कई बातें होंगी, वो भी इस न्यू विजन की परिकल्पना करते होंगे, वो भी जरा सोचते होंगे कि कैसा हो हमारा ये आने वाला नया भारत जो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे चंद्रयान 3 मिशन आपने देखा जो हमने बुलंदियों को छुआ, जो हमने कामयाबी पाई है, जिसके जरिए पूरी दुनिया में आज हमारा डंका बज रहा है, तो आज जो हमारा मिशन चंद्रयान 3 रहा, उसकी जो सफलता रही उस पर भी मैं चाहूंगी आप लोग एक बार जरा जोरदार तालियां बजाएं। सो चलिए देखिए क्या है ना कि जब आगाज होता है किसी भी कार्यक्रम का तो धीरे धीरे पड़ाव में आगे बढ़ते हैं। एक पड़ाव समाप्त हुआ और दूसरे पड़ाव की ओर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें होगी चर्चा। चर्चा होगी हमारे पैनल के साथ में, और हमारे साथ जो पैनल रहने वाला है उसमें रहेंगे मिस्टर मधुसूदन चौहान, मिस्टर बसंत अग्रवाल, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। मिस्टर मधुसूदन चौहान सीईओ डायरेक्टर हैं जीवा आयुर्वेदा के। मिस्टर बसंत अग्रवाल हैं सोशल वर्कर, जो किस तरह से उन्होंने कामकाज किया है उसको लेकर उनसे बातचीत होगी। मधुसूदन चौहान जो कि जीवा आयुर्वेद आपके सीईओ हैं, और देखिए आज हम आयुर्वेद को आगे बढ़ाने पर बात कर रहे हैं, और उसमें जब बात होती है ना आगे बढ़ने की, तो यही वही लोग हैं जिनके कारण आज हमारे आयुर्वेद को पूरी दुनिया में और ज्यादा महत्व मिल रहा है। तो उनके लिए भी एक बार तालियां, क्योंकि इनके संघर्षों से, इनके प्रयासों से आज लगातार हमारे आयुर्वेद का डंका बज रहा है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन एनडी है, होम्योपैथी क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक है इनका। और होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो या फिर एलोपैथी की बात हो, हर क्षेत्र में यूं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सो इन सभी को मैं इन्वाइट करना चाहूंगी, और पूर्णिमा आगे सेशन को आगे बढ़ाएंगी। पूर्णिमा, और इसी बीच में मैं थोड़ा सा समय लेते हुए, हमारे बीच में मौजूद हैं मिस्टर बसंत अग्रवाल, आप सोशल वर्कर और बीजेपी लीडर हैं, इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीजें, इनका एक सफर, कैन वी हैव इट ऑन द डिस्प्ले प्लीज। छत्तीसगढ़ के युवाओं का एक ही नारा, एक ही नाम, बसंत अग्रवाल, सनातनियों की शान। छत्तीसगढ़ में इस वक्त अगर किसी शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो हैं सनातन का मान बढ़ाने वाले और युवाओं की पहचान बन चुके बीजेपी नेता और संघ के कर्मठ कार्यकर्ता बसंत अग्रवाल। जगतगुरु शंकराचार्य के साथ मिलकर बसंत घर वापसी का महाअभियान चला रहे हैं, धर्म से विमुख हो चुके लोगों को फिर से सनातनी बना रहे हैं। देश के प्रख्यात संतों की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ। बसंत अग्रवाल की मेहनत से प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक की शिव कथा सुनने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला। बाबा बागेश्वर के दरबार का भी बसंत अग्रवाल ने भव्य आयोजन करवाने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि धर्म के लिए बसंत कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। 25 साल की उम्र से कांवड़ यात्रा को निरंतर चला रहे हैं, और तिरंगा यात्रा को भी उसी जुनून से युवाओं के साथ मिलकर चलाया। देश की खातिर कुछ करने का जज्बा ऐसा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की माटी के लिए समर्पित बसंत ने अपने कई बसंत सिर्फ लाखों पेड़ लगाने में लगा दिए। प्रकृति से प्यार और प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा ही है कि लोगों के लिए नेत्रदान शिविर, रक्तदान शिविर के आयोजन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। सर्वजन हिताय के साथ बसंत अपने जीवन के सभी बसंत समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए
समर्पित कर देना चाहती हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे खास मेहमान मिस्टर बसंत अग्रवाल द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर, उसकी सराहना करते हुए। और हमारे साथ मौजूद हैं जीवा आयुर्वेद के सीईओ और डायरेक्टर मधुसूदन जी, आपका भी स्वागत करती हूं सर। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, एमडी होम्योपैथी के। और क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं स्वास्थ्य समृद्धि और समाज सेवा की, और इसीलिए ये तीनों समागम अभी इस मंच पर नजर आने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों खास मेहमान के लिए। और राकेश टिकैत जी भी इस वक्त आ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं राकेश टिकैत जी। और शुरुआत आप ही के साथ करते हुए बसंत अग्रवाल जी, क्योंकि अभी अभी हमने एक एवी देखी आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। सनातन धर्म को लेकर आपने बहुत काम किए हैं, धर्म को लेकर सबसे पहले तो आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है, जो आप इतना काम करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, संजोए रखना चाहते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? धर्म जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज को धारण करता है तो उसके लिए वो बड़ी चीज होती है। बिना धारण के कोई चीज, हम वस्त्र धारण करते हैं तो वो भी हमारे लिए मायने रखता है। तो जीवन में यदि धर्म हम धारण करते हैं तो धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। कंठ है करोड़, गीत एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, गीत एक राष्ट्र का, सादगी सहिष्णुता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे। यदि चरित्र महान है तो सब महान है। और चरित्र आएगा वो धर्म से आएगा। हमें धर्म के प्रति हमेशा अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को और अपने आने वाले जितने भी युवा हैं उनको सिखाना है। आप धर्म यदि धारण कर लिए तो आपको दुनिया में कुछ भी धारण करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत खूबसूरत बात है कि आप धर्म धारण कर लीजिए तो आपको कुछ और भी धारण करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और इसीलिए ये संदेश उनके लिए बहुत मायने रखता है। मधुसूदन जी, आयुर्वेद की हम बात करते हैं क्योंकि आप जीवा आयुर्वेद के सीईओ और डायरेक्टर भी हैं। आजकल बड़ी चर्चा आयुर्वेद को लेकर हो रही है और ऐसा लगता है कि जैसे आयुर्वेद अब रिवाइव होने लगा है। ऐसे में आप ये बताइए कि आयुर्वेद कितना आगे बढ़ा है, कितना रिवाइव हुआ है, कितना एक्सेप्टेंस लोगों के बीच में उसको लेकर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 का और निरंतर इस विजन ऑफ न्यू इंडिया का जो मंच है वो मेरे ख्याल से पूरे देश भर में एक संक्रांति ला रहा है और जनमानस को, जन जन को ये झिझोड़ रहा है कि वो भी सोचें कि हम भारत कैसा बनाना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से भारत की आज़ादी के बाद ये एक ऐसा काल है जहाँ पर आप सभी लोगों को इस सोच के लिए, इस एक विजन के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हम अपने भारत को कैसा बनाना चाहेंगे। शुक्रिया। आयुर्वेद हमारी एक धरोहर है, आयुर्वेद हमारी भारत की 5000 साल से अधिक एक धरोहर रही है और खास करके आज के समय में इसका एक नवीनीकरण और पुनर्जीवन हो रहा है जन जन के हृदय में और जन जन के घर में। छोटा सा एक बात जो आपने कही कि इसकी क्या महत्वता रहेगी उसको लेकर, एक मैकिन्जी हेल्थ इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, उसका एक स्टडी हुआ था काफी बड़ा, मल्टीपल रिपोर्ट्स आए। तीन आंकड़े मैं शेयर करना चाहूंगा उसके हिसाब से। पिछले 60 वर्षों में हमने ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 20 साल ऐड करे, यानी कि तकरीबन हर व्यक्ति ग्लोबली ऑन एन एवरेज 20 साल अधिक जी रहा है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद 50% हम अपने जीवन का पुअर हेल्थ में बिताते हैं, यानी कि बीमारी में या फिर अस्वस्थता में बिताते हैं। हमने उम्र लंबी तो कर ली क्या, लेकिन हम स्वस्थ तरीके से जी पा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। वही रिपोर्ट एक और चीज बोलती है कि अगले 20 सालों में जो बीमारियां बढ़ने वाली हैं वो कैटेगराइज होती हैं एज लाइफस्टाइल डीजनरेटिव क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। पहले हैजा, मलेरिया, कॉलेरा, वायरसेस, इस तरह के बीमारियां ज्यादा बढ़ती थी जिनसे डेथ्स होती थी। आज के समय में आप तो देखिएगा कि कोरोना के आने के बावजूद किस प्रकार से उन्नत जो विज्ञान है उसने उसको समेटा। लेकिन जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जैसे डायबिटीज, जॉइंट पेन, किडनी प्रॉब्लम्स, आपका कैंसर, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और अर्ली, बिल्कुल, तो ये फाइट करने का शायद तैयारी हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन में पूरे कारगर रूप से नहीं है।
इसीलिए आयुर्वेद के प्रति हमारे को कदम उठाना पड़ेगा, इसीलिए आयुर्वेद के प्रति आज लोगों में जागरूकता जाग रही है, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा शास्त्र है जो लाइफस्टाइल क्रॉनिक और डिजेनरेटिव बीमारियों को एड्रेस कर सकता है। लोगों ने इसकी महत्ता को समझा है और आयुर्वेद आपको आगे बढ़ता हुआ, रिवाइव होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहती हूँ कि आखिर ये है क्या, क्योंकि अभी तक तो हमने होम्योपैथी ट्रीटमेंट सुना है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, स्पेशलिटी भी है, मॉडर्न भी है, होम्योपैथी भी है, तीनों इसमें मिले हुए हैं। जैसे कि आपके चैनल का विजन है, विजन ऑफ न्यू इंडिया, जी सेम वैसा ही मेरा ही कुछ है, अलग विजन है कि हम होम्योपैथी को, इंडियन होम्योपैथी को वर्ल्ड वाइड अगर भेजना चाहें, जो जर्मनी से आई थी उसे हम क्लासिकल होम्योपैथी कहते हैं, जिसे हम बेसिक केसेस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी के बारे में ज्यादातर यही माना जाता है कि जो छोटे मोटे केस हैं उसको हम डील करें, पर जो क्रिटिकल केस होते हैं, जैसे कि कैंसर के केसेस हैं, आखिरी स्टेज के कैंसर हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जो ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं, जो सर्जिकल पेशेंट्स हैं जो सर्जरी कराने के लिए मजबूर हैं, या एक तरीके से ऑटोइम्यून बीमारियां जिसमें एक तरीके से जीवन भर दवाइयां या स्टेरॉइड्स या पेन किलर खाना पड़ता है, पर उन बीमारियों का एलोपैथी में भी इलाज नहीं है, उसके लिए काफी सारा रिसर्च हो रहा है। और ऐसे ही कई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, जैसे कि सर ने भी बोला, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरीके की कई बीमारियां जिसमें जीवन भर दवाई खाना पड़ता है, तो ऐसी बीमारियों के लिए अगर होम्योपैथी से अगर हम कुछ नया करना चाहें तो उस विजन को चेंज करने की जरूरत है। तो जैसा आपका विजन था, विजन ऑफ न्यू इंडिया, वैसा ही हमारा एक विजन है कि हम होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी बनाकर होम्योपैथी को इंपोर्टेड होम्योपैथी की जगह एक्सपोर्टेड होम्योपैथी में कन्वर्ट करना चाहिए। इस बार इन दोनों विजन्स के लिए एक बार तालियां हो जाए, होम्योपैथी के इस नए विजन को लेकर भी और भारत 24 के विजन ऑफ न्यू इंडिया को लेकर भी। तो एक्सपोर्टेड होम्योपैथी अगर होगी तो नेचुरल रहेगा कि इंडिया से अगर कोई विजन जाएगा तो कुछ अच्छा ही होगा, जैसे कि हम वर्ल्ड वाइड सभी फील्ड में इंडिया से अच्छा करने जा रहे हैं, तो होम्योपैथी में हमने क्रिटिकल केस जो डील किए उसके लिए फास्ट ट्रीटमेंट लॉन्च किया। फास्ट ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि होम्योपैथी बेसिक ट्रीटमेंट था, स्लो ट्रीटमेंट ऐसा माना जाता था, और क्रिटिकल केसेस में आपको टाइम नहीं मिलता। अगर कोमा का पेशेंट है, वेंटिलेटर पे है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेंट 5 दिन 10 दिन से ज्यादा वेंटिलेटर को एफोर्ड कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 महीना। पर ऐसे केसेस में अगर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से अगर हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट देकर किसी की जान बचा सकें, किसी को कैंसर, किडनी, लास्ट स्टेज के पेशेंट्स को जान दे सकें और उसके लिए कुछ अच्छा कर सकें, फिजिकली, मेंटली, सोशली उसको वापस खड़ा कर सके, ऐसे करीब 3,000 से ज्यादा पेशेंट का डेटा जो हमने लाइव किया है, तो कहीं ना कहीं इंडिया से एक जो विजन जाएगा उसको हमने एक नया नाम दिया, जिसका संरचना जो आप लोगों के सहयोग से या मेरे 20 साल की मेहनत से आज साकार होने जा रहा है, जिसका नाम दिया हमने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। बहुत शानदार पहल है और इस अच्छी पहल की हम सराहना करते हैं। बसंत अग्रवाल जी, आपने शंकराचार्य के मंच से बहुत सारे लोगों की घर वापसी करवाई, न सिर्फ प्रदेश में इसकी चर्चा है बल्कि देश भर में भी इसकी चर्चा है। इसकी चर्चा देश के बाहर भी है। जो दूसरे लोग हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन कराते हैं, हमारा हिंदू कहीं नहीं जाता कि आप हमारा हिंदू धर्म धारण कर लो। सबसे पुरानी हमारे देश की मूल सभ्यता जो है वो हिंदू है। हम कहीं नहीं जाते कि हमारा धर्म आप ले लो या आप हिंदू, ऐसे कहीं हमारे लोग नहीं घूमते। लेकिन जो लोग घूमते हैं और जो लोग करवाते हैं, उनका कुछ ना कुछ लालच होता है, उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके कारण वो करते हैं, उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी रहती हैं। तो जो भटक गए हैं हमारे हिंदू भाई, हमारा उद्देश्य है कि वो जो मूल में थे उसी मूल में रहें, और जो जा चुके हैं किसी कारणवश उनको समझा कर, और चूंकि शंकराचार्य जी हमारे संत शिरोमणि हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, अगर हम अपने धर्म गुरु के मंच से, पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में किसी शंकराचार्य जी के मंच से हिंदुओं की घर वापसी हुई है। अगर वो भटक गए हैं, अगर वो दूसरी दिशा में जा रहे हैं और हमारे धर्म के प्रमुख उनको वापस ला रहे हैं, तो उसका संदेश भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाता है। तो हमारे रायपुर में ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी शामिल हुए, और उनके मंच से ऐसे परिवारों की घर वापसी हुई जो किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश दूसरे धर्म में मानने लगे थे या अपने मूल धर्म को भूल गए थे, उनकी वापसी हुई। जी मधुसूदन जी, भारत में वर्ल्ड का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल्स है, और इसके साथ ही G20 की मीटिंग से पहले आयुर्वेद है या इंटरनेशनल लेवल पर योगा का जाना है, जिस तरीके से उसका प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग उसको काफी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, इसमें कैसे आप खुद के रोल को या अपनी कंपनी के रोल को देखते हैं? जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये पूछा। अभी इसी महीने गुजरात में ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो WHO का है, उसका
पहला वर्ल्ड समिट हुआ जिसमें 70 से देश ज्यादा देश के लोगों ने भाग लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी के मुहिम के कारण एक ये पहला WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में आया है। और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो मनता है वो अभी मेरे ख्याल से तकरीबन विश्व के सभी देशों में उसको बहुत जोर शोर से और मान्यता से मनाया जाता है। इसके हमारे देश में ही नहीं पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बहुत बड़ा मायना है। वो मायना ये है कि योग और आयुर्वेद के समागम से क्या हम पूरे जो चिकित्सा प्रणाली है और चिकित्सा पद्धति है उसको एक नया आयाम भारत प्रोवाइड कर सकता है क्या। जीवा ने उसी कड़ी में जुड़ते हुए आयुर्वेद के जो शास्त्रीय चिकित्सा शास्त्र है उसको कैसे टेक्नोलॉजी के साथ समन्वय कर घर घर तक जन जन तक और अफोर्डेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर के तहत कैसे पहुंचाए। राकेश टिकैत भाई साहब यहां पर बैठे हुए हैं जो भारत का टेलीमेडिसिन का एक विजन है प्रधानमंत्री जी का। पिछले 20 साल से जीवा इस कार्य में कार्यरत है और आप मानेंगे दूर दूर गांव दराज तक जहां पर अभी आपने एवी जो चलाया उसमें आपने दिखाया ये 20,000 की पॉपुलेशन का गांव है जिसमें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये हकीकत है हमारे देश की। यहां पर स्वास्थ्य कैसे पहुंचे, यहां पर ऐसा डॉक्टर कैसे परामर्श दे जो विदेशी पेशेंट को भी परामर्श दे रहा है, तो उसके तहत जो जीवा का टेलीमेडिसिन का कार्य है वो विश्व का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन हम चलाते हैं। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे डॉक्टर्स के लिए प्रोटोकॉल्स हैं जिसको वो यूज करते हैं क्वालिटी ड्रिवन ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये गांव दराज तक भी जा रहा है और इसके साथ साथ जो एडवांस्ड देश हैं वो भी आयुर्वेद और योग का परचम मान रहे हैं। दो मिनट और एक मिनट और लेते हुए मैं ये आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा। अमेरिका की तकरीबन 10% पॉपुलेशन योग किसी ना किसी फॉर्म में प्रैक्टिस करती है। 30 करोड़ लोग विश्व भर में योग प्रैक्टिस करते हैं। योग का टोटल इंडस्ट्री या बाजार आप देखें विश्व में तो ये तकरीबन 7 लाख करोड़ का है। अनफॉर्चुनेटली भारत योग को जिस प्रकार से एस्टेब्लिश करना चाहिए था और भारत को उसका श्रेय मिलना चाहिए था वो कहीं पूर्णतः हम उसमें सफल नहीं हो पाए। आयुर्वेद को और योग को मिलाकर ये हमारे को एक और अपॉर्चुनिटी है कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति को कैसे मजबूत। इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी तो आसमान बाकी है, अभी तो बहुत कुछ है जो करना बाकी है और काफी आगे हम बढ़ रहे हैं। अर्पित चोपड़ा जी, आपने थोड़ी देर पहले जिस नई पहल का जिक्र किया मॉडर्न होम्योपैथी को हम समझ रहे थे, आपका फोकस क्या सिर्फ भारत में है या आपकी प्लानिंग ये भी है कि विदेशों तक भी इसको लेकर जाया जाए? हमारी जो कोशिश है कि इंडिया से हम जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो होम्योपैथी का एक सुपर स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट है मॉडर्नाइजेशन कह सकते हैं इसको हम पूरे दुनिया में फैला सकें, तो मेरी जो कोशिश है कि हम इस डेटा को जब WHO को देंगे तो निश्चित रूप से जब कोई भी आधारशिला और हम एविडेंस बेस्ड डेटा को जब हम सबमिट करते हैं तो उसको वेरीफाई किया जाए और उसको वेरीफाई करने के बाद अगर उनको लगता है तो वो हमें क्रॉस चेक करें, जितने भी पेशेंट्स के डेटा हैं वो उसको जस्टिफाई करें और इसके लिए हमने इसके लिए ओपन ऑप्शंस भी रखे हैं। हम कई जगह डिबेट्स में भी जाते हैं, हम डॉक्टर्स के बीच में भी जाते हैं और अपने डेटा को सबमिट भी करते हैं। इवन आपके चैनल के माध्यम से भी हम वर्ल्ड वाइड इस डेटा को कहीं ना कहीं एक लोगों को जागरूकता के रूप में बताने के लिए कोशिश करते हैं। तो जो YouTube का चैनल है वेबसाइट है उसमें इस डेटा की भरमार है। करीब 3,000 से ज्यादा पेशेंट का डेटा लाइव है, 2,300 से ज्यादा पेशेंट्स के फीडबैक डायरेक्ट लाइव सेशन के थ्रू आप सुन सकते हैं। तो चूंकि यूट्यूब एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम जब हम कोई चीज सही बात बताते हैं तो सच जब आता है तो लोग उसको इंस्पायरेशन देते हैं और कहीं ना कहीं उसको हमको उसका फायदा भी मिलता है और लोगों को उसकी जानकारी भी मिलती है। और आप लोगों के आशीर्वाद से या हमारे प्रयास से ये कह सकते हैं कि आज इंदौर में रहकर एक हमने ग्लोबल सेंटर बनाया, जो इमेज हमारी पहले इंदौर की एक लोकल क्लिनिक की थी आज के डेट में हम कह सकते हैं इस मंच के माध्यम से भी मैं आपको बोल सकता हूं कि आज हमारे क्लिनिक की इमेज या मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी की इमेज आज के डेट में ग्लोबल क्लिनिक के रूप में पहचान आ चुकी है। बहुत बधाई। और करीब 19 देशों के ट्रीटमेंट जो इंडिया से हम लोग इंदौर से एक टीम वर्क में मैनेज करते हैं जिसके लिए मेरी करीब 8 डॉक्टर्स की टीम है जो उसको ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू हम रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप या चैनल के थ्रू या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अवेल करते हैं, उनसे केस टेकिंग लेते हैं और यहां से दवाइयां बनाकर कुरियर के माध्यम से उन देशों में भारत से सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी की सेवाएं वर्ल्ड वाइड दे पा रहे हैं ताकि इंडिया का भी नाम जाए और कहीं ना कहीं
देश का नाम जाएगा तो सबका फायदा होगा। बहुत जरूरी है वो, क्योंकि आपने नाम की बात की, पहचान की बात की। बसंत जी, अगर सनातन धर्म की बात करूं तो आजकल सनातन धर्म को लेकर खूब चर्चा होती है। सनातन धर्म को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, ये कहा जा सकता है दोबारा से मजबूत पकड़ भी उसने की है। आप खुद एक धार्मिक चेहरा के तौर पर एस्टैब्लिश हैं, लोग आपको जानते हैं, कितनी ज्यादा जरूरत है एक धार्मिक चेहरा होने की, इस पर आपको क्या लगता है? आज मैं जिस मंच पे हूं, भारत 24 ने जो मंच का यहां पर आयोजन किया है, विजन ऑफ न्यू इंडिया, न्यू इंडिया में जो विजन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई पार्ट है तो वो धर्म है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा आदर करे, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा गेस्ट का आदर करे, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर वो संस्कार करे। हम अपेक्षा रखते हैं अपने बच्चे से, वो सीखेगा कैसे, उसको सिखाएगा कौन? मुझे ऐसा लगता है धर्म यदि उसको हम सिखाएं, जैसे कि आज शिव महापुराण हुआ छत्तीसगढ़ में, तो 12 लाख 15 लाख लोग आए, उसका असर यह हुआ कि बच्चा स्कूल बाद में जा रहा है, महिला काम करने बाद में ऑफिस जा रही है, पुरुष बाद में काम करने ऑफिस जा रहा है, पहले वो शिवालय जा रहा है, शिवालय जाके जल चढ़ा रहा है। एक लोटा जल हर समस्या का हल। कहीं ना कहीं उसे वो चीज दिख रही है और उसके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है जी। आप धर्म से जुड़ते हैं तो आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप धर्म से जुड़ते हैं तो आप योग से जुड़ते हैं, आप धर्म से जुड़ते हैं तो आप आयुर्वेद से जुड़ते हैं, आप धर्म से जुड़ते हैं तो आप उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां तक आप चाहते हैं कि आप पहुंचे। धर्म का इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे इस विश्व के लिए हो। इस धरती को किसी ने धारण किया है, हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कण है ये, अंश मात्र है, और ब्रह्मांड में पूरे जो हमारे देवी देवता जिनको हम मानते हैं उनका एक एक अंग ब्रह्मांड है। तो धरती तो एक कण है। हम लोग बहुत छोटा सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, भगवान ने नहीं किया। सुख और दुख दोनों जीवन का पार्ट है, अच्छाई है तो बुराई है, सुख है तो दुख है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को यदि दुख भी आ रहा है तो सोचना चाहिए कि हो सकता है इससे बड़ा था कुछ, कम में टल गया। प्लस ले, पॉजिटिव ले, और न्यू विजन। मैं फिर कह रहा हूं, बधाई हो आपको कि आप ऐसे चीजें लेके आती है। अभी मैंने रूपिका जी को देखा, वो मंच पे चढ़ रही थी तो पहले मंच को उन्होंने प्रणाम किया, ये उनका धर्म के प्रति समर्पण दिखाता है। और रूपिका जी के से वैसे मैं बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि आपके चैनल में आई है तो आपके चैनल की टीआरपी मुझे लगता है ऐसी और बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसी एंकर के आने से चैनल में कहीं ना कहीं कुछ चीजें आती है। बिल्कुल सर। तो ये सब चीजें धर्म के अंतर्गत आती है। उनका मंच को प्रणाम करना क्या था, अपने इस बिजनेस को वो धर्म मानती है जी, अपनी इस चीज को वो धर्म मानती है, इसलिए उन्होंने मंच का सम्मान किया। तो मुझे ऐसा लगता है धर्म इस जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए। मधुसूदन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अर्पित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हमारे खास मेहमानों के लिए, थैंक यू सो मच। सो हमारे बीच में किसान नेता राकेश टिकैत भी, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि वो हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सिद्धिनाथ जी को, रूबेका लियाकत, वो आए और हमारे बीच जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हर कोई उनके बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उन्होंने जो किसानों के लिए लड़ाई शुरू की उसके बारे में सब जानते हैं। सो जोरदार तालियों के साथ में एक बार उनका स्वागत करेंगे। आवाज नहीं है। मनोज जिज्ञासी जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। Can we have the bouquet, please?